जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी सभी लोग घर में हैं, सब कुछ बंद है, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप समय को जो आपको मिला है उसको व्यर्थ करें, या फिर आप अपने समय को यूटिलाइज करें, उसको अच्छे काम में लगाएं और जो आपकी पढ़ाई है, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल विजन क्लासेस पे आप ही लोगों के लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो ये याद रखें कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक डेली 2 घंटे की क्लासेस होती हैं। सुबह 9 बजे और सुबह 10 बजे की क्लास चल रही है। UPRVNL के लिए, TG2 के लिए क्लासेस चल रही हैं, उसके अलावा डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए भी क्लासेस हो रही हैं। तो अगर आप ITI इलेक्ट्रिकल से की अगर आप इलेक्ट्रीशियन से किए हैं या फिर आप डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रिकल से, तो दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए क्लासेस हैं। आप लोग जाएँ और प्लेलिस्ट पर आप जा करके देख सकते हैं। और इसके क्लासेस का जो आपका टाइमिंग है वो याद रखिए, सुबह 9 बजे सुबह 10 बजे दोनों ही क्लासेस के टाइम पे आप लाइव रहें और डेली क्लास करें। पूरी उम्मीद है कि जब आप क्लास करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ये तो हो गया कि लाइव क्लासेस से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। डेली 2 घंटे की आपकी लाइव क्लासेस है, तो सुबह की जो आपकी स्टार्टिंग है वो तो आपकी अच्छी हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको रीजनिंग की क्लासेस भी कराई जा रही हैं। तो जो लोग रीजनिंग की क्लासेस कर रहे हैं वो 1 घंटे क्लास वो आप कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को रीजनिंग करना है वो व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। रीजनिंग की क्लास सुबह 11 बजे होती है, तो ये आपके 3 घंटे सुबह के आपके यूज हो चुके हैं। अब इसके बाद बाकी जो समय है उसमें आप क्या करेंगे, आपको सुबह से लेकर शाम तक जो आपका समय बचा है उसमें आपको अपने परिवार के साथ समय स्पेंड करना है। और बाकी जो आपके पास थोड़ा बहुत समय है आप उसमें पढ़ाई में भी लगाइए, और सुबह से लेकर शाम तक में जो आपका समय है उसमें कुछ समय आप जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है, जैसे GK है, आपका हिंदी है, और जो आपको रीजनिंग पढ़ाई जाती है उसमें का आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इन सबको पढ़िए। बाकी आपके पास बुक्स रखी होंगी, काफ़ी लोगों के पास मटेरियल मंगाया होगा आप लोगों ने, तो उनके पास मटेरियल है तो वो उस मटेरियल से तैयारी करें। बाकी जिन लोगों के पास मटेरियल नहीं है तो आपके पास में यूथ की बुक होगी, तो यूथ की बुक से आप लोग पढ़िए, दोनों ही आपको काफ़ी हेल्पफुल है। मटेरियल जो लोग मंगाना चाहते हैं वो अभी धैर्य रखें, जब तक लॉकडाउन नहीं हट जाता तब तक आपके एड्रेस पे मटेरियल नहीं पहुंच पाएगा, तो लॉकडाउन हटने की प्रतीक्षा करें। बाकी आप लोग मटेरियल के लिए व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जैसे ही लॉकडाउन हटेगा आप लोग इसको पे करके आप अपने एड्रेस पे जो आप मटेरियल है वो मंगवा सकते हैं। मटेरियल आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का मटेरियल आपका स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके एड्रेस पे आएगा, तो मटेरियल ज़रूर लें। और जो लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं उसको पढ़ें, और इसके अलावा जो यूथ की आपकी बुक है उससे तैयारी करें। तीनों की आपकी सहायता से आपका सिलेक्शन ज़रूर कन्फर्म होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। और काफ़ी जो जो आपके कैंडिडेट्स हैं, जो छात्र हैं, उनका ये कहना है कि सर लॉकडाउन की वजह से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो देखिए, लॉकडाउन की वजह से आपको जो घरों में रहना है, तो इसमें अगर आप ऐसे सोचेंगे कि हमको लॉकडाउन कर दिया गया है, हमको ज़बरदस्ती घर में बंद किया गया है, तो ये आपकी सोच आपको गलत है। आप इस तरह सोचिए कि जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए आपको काफ़ी समय मिल रहा है, काफ़ी समय आपको मिल रहा है, तो अब ये आपको सोचना है कि उस समय का आपको कैसे यूज़ करना है। क्योंकि याद रखिए, समय कभी भी वापस नहीं आता है। अगर आज का जो आपका समय मिल रहा है अगर वो आप व्यर्थ करते हैं तो आपको भविष्य में वो समय वापस होकर के कभी नहीं आएगा। तो इस समय की कदर करिए, और इस समय में जो आपको मौका मिल रहा है तैयारी करने का उसकी अच्छी तैयारी करिए। प्लेलिस्ट पे जाइए, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, आप वहाँ से जाकर के वीडियो देखिए। थ्योरी की जो आपके पास बुक्स होंगी उससे पढ़िए, नहीं तो आपके पास मटेरियल होगा वो पढ़िए। जो आपके पास यूथ की बुक्स होंगी उससे पढ़िए, MCQs पढ़िए, याद करिए, नॉन टेक पढ़िए, टेक पढ़िए, काफ़ी समय आपके पास में। UPRVNL के लिए फॉर्म भर ही दिए होंगे, तो उसके लिए अच्छी तैयारी करिए और आने वाले एग्जाम में अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। लाइव क्लास में आकर के आपको पढ़ाने का और आपको मोटिवेट करने के पीछे मकसद यही है कि आप लोगों में से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। और ये जो आपको समय मिला है इसको आप व्यर्थ एकदम मत करिए, आपको मौका मिला है तैयारी करने का, तो इस समय का यूज़ करके तैयारी करिए। मैं चाहता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग सिलेक्शन पाएँ और सिलेक्शन पा करके अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दीजिएगा दूसरों तक भी, और उनको भी ये बताइए कि ये टाइम जो आपको मिला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये टाइम आपकी तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको व्यर्थ बिल्कुल ना करें और तैयारी करते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा दें, ऑल पर सेट कर लें, और लाइव क्लास की टाइमिंग याद रखें सुबह 9 बजे और सुबह 10 बजे, और देखते रहें इलेक्ट्रिकल विजन।